नमस्कार सभी किसान भाइयों को, राम राम। और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पंखीजा डेयरी फार्म, जो कि आस्था सीओ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक सबसे पहले पहुँच सके। और आपकी स्क्रीन के सामने जो गाय बैठी दिखाई दे रही है, ये ज्ञापन है और सेल के लिए उपलब्ध है। लेकिन ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है, ये किसी परचेज और सेलिंग से रिलेटेड नहीं है। ये परचेसिंग सेलिंग तो होती रहेगी जीवन भर, लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया खासकर किसान भाइयों के लिए, जो कि रिलेटेड है, जो कि संबंधित है। गाय जनने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जो ध्यान रखना चाहिए, गाय जनने के बाद में उसको क्या देना चाहिए जिससे कि उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो या फिर अच्छा दूध दे। तो थोड़ी सी मेरी जो जानकारी जो मैं यूज़ करता हूँ, वो आप सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई गाय है तो वो अगर ज्ञापन है तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें, जैसे कि उसको बिठाने की जो जगह है वो साफ़ सुथरी रहे, अच्छा खिलान पिलान उसको ज्ञापन समय में उसका अच्छा खिलान पिलान करें, ताकि किसी प्रकार की बाद में उसको जर फेंकने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार की चीज़ें ध्यान रखना चाहिए सभी किसान भाइयों को, क्योंकि खिलान पिलान ही एक जो फीड मैनेजमेंट है वो होना ज़रूरी है। अच्छा खाएगा पशु तो स्वस्थ रहेगा, और बैठने की जगह गंदी नहीं होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई मेस्टाइटिस या थनेला से रिलेटेड कोई उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है यूज़ कंपनी का, बहुत सारी कंपनी आती है मार्केट के अंदर, जैसे यूज़ है और भी बहुत सारे मल्टी विटामिन्स हैं जो कि अपने पशुओं को देना चाहिए हमेशा। जनने से एक महीने पहले से अगर स्टार्ट कर दो तो इससे जो अपनी गाय है उसकी अडर की क्वालिटी अच्छी रहती है और दूध की जो उसकी क्षमता रहती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो है ये मैं हमेशा अपने घर पर रखता हूँ और जनने से पहले ये सब चीज़ें देता हूँ, जैसे कि मैं मिनरल मिक्सर हमेशा चलने देता हूँ, साथ में इसके लीवर टॉनिक और कैल्शियम वगैरह हमेशा चलता ही रहता है। और ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बॉटल दिखाई दे रही है, ये छोटे बच्चों को काफ्स को दूध पिलाने की बॉटल हैं, तो काफ़ी अच्छी बॉटल। और मैं आपको बता रहा था ये जो एक शीशी रखी मैग्नीपिक नाम की, ये भी एक मल्टी विटामिन है, काफ़ी ज़ोरदार मल्टी विटामिन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ इन सब चीज़ों को जनने से पहले, जो कि मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहता था कि जब भी गाय हमारी ज्ञापन रहती है तो उसको जनने से पहले उसको मल्टी विटामिन ज़रूर दें, ताकि उसकी अडर की ग्रोथ हो, अच्छा अडर बनाएगी, अच्छा खाएगी पिएगी तो दूध भी अच्छा देगी, और साथ में उसको जनने के बाद में भी बहुत सारी बीमारियों और उससे दूर रखेगी। जो जनने के बाद की बात होती है, ये तो हो गई पहले की कि हाँ सब चीज़ें अच्छी चीज होनी चाहिए, रख रखाव अच्छा होना चाहिए, फीड अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं मेस्टोडिन करके एक ट्यूब है, ये भी रखता हूँ हमेशा, क्योंकि कभी भी जनने से पहले किसी गाय का अगर अडर के अंदर किसी प्रकार की कोई सूजन स्वेलिंग आ गई हो तो उसको लगाने से वो स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, और स्टार्टिंग में ही अगर हमको दिखता है कि मेस्टाइटिस के लक्षण है तो दूर हो जाते हैं। और हर्बल है और आयुर्वेदिक है तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन सी चीज़ों का सावधानी रखना चाहिए, तो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई गंदगी या कीचड़ वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे कि गाय को प्रॉब्लम हो, मेस्टाइटिस के किसी प्रकार का कोई कीटाणु उसके अडर के अंदर थन के अंदर नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ उसकी फीड अच्छी होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो हो गई। लेकिन जब जनने के बाद की बारी आती है तो बाद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आप सभी किसान भाइयों को, ये कुछ भी करो या मत करो ये, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई सा पशु आपके यहाँ पर ज्ञापन है तो एक बॉटल का नाम मैं बताऊँगा आपको, जो कि उसको पिलाने की रहती है, जनने के बाद में उसको पिलाना चाहिए और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि आपकी जो गाय रहती है वो जनने के बाद में उसमें एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और एनर्जी की ही वो बॉटल है जिससे कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, जर जल्दी गिरा देगी, इसके बाद में नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएगी, कीटोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिल्क फीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, जो कि एक बॉटल अगर आप पिला भी देंगे तो आपका पशु जो रहेगा वो किसी प्रकार की 50-60 हज़ार रुपये का पशु है। बहुत सी बार ऐसा मैंने देखा है कि पशु जनने के बाद जब तक तो स्वस्थ रहता, जनने के ठीक बाद वो मर जाता है या किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एक बॉटल बहुत काम की है। मैं अपने हर पशु को, मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा में रखी रहती है, दो बॉटल मैं हमेशा अपने घर पर रखता हूँ। कोई भी पशु मेरे यहाँ पर जनने वाला रहता, भले वो बेचने का हो, चाहे वो हमारे घर पर रखने का पशु हो, किसी प्रकार का भी पशु अगर मेरे यहाँ पर ज्ञापन है तो मैं वो चीज़ रखता हूँ। उसका सबसे मेन बेनिफिट यही है कि जनने के बाद में अगर उस बॉटल को अगर अपन पशुओं को पिला देंगे
तो पशु के अंदर किसी भी प्रकार की जो एनर्जी डाउन हो जाती है वो नहीं होगी, एनर्जी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि जर फेंकने में उसको आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि किसी प्रकार का उसको मिल्क फीवर नहीं होगा, मिल्क फीवर के बाद उसको कीटोसिस नहीं होगा, या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जन्ने के बाद में, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एक बॉटल का बहुत सारी चीज़ों का समाधान है। तो किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो बॉटल हमेशा रखें, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और बॉटल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो किस तरह की बॉटल रहती, कितने की प्राइस होती है। हर किसान भाई को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पशु जो हैं वो स्वस्थ बने रहें, किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो जनने के बाद में, और दूध अच्छी तरह से दे। मैं अपने पशु जब भी मेरे यहाँ पे मेरे पशु जो हैं वो अच्छा दूध देते हैं बिना हरा चारा होने के बाद भी, क्योंकि मैं उन पशुओं का अच्छी तरीके से ध्यान रखता हूँ और हर चीज़ जो जनने से पहले और बाद की जो चीज़ें होती हैं वो सभी उनको देता हूँ। भले ही हष्ट पुष्ट पशु हो, चाहे वो वीक हो, चाहे कैसा भी पशु हो, सभी को देता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने जो एनकाल जेल करके लिखा हुआ है, ये बॉटल है वो जो कि मैं अपने पशु को जनने के बाद में पिलाता हूँ। काफ़ी ज़ोरदार बॉटल है ये, और देख सकते हैं आप ये बॉटल, इसके क्या क्या इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फीड सप्लीमेंट ऑफ आयोनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम और ग्लूकोज है इसके अंदर, जो कि बेटर हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए बनी हुई है। और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो देखो, बेनिफिट्स भी मैं बताता हूँ इसके लिखे हुए, ये देख सकते हैं आप। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है प्रिवेंट्स ऑक्यूरेंस ऑफ मिल्क फीवर एंड कीटोसिस आफ्टर काविंग, जो कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मिल्क फीवर और कीटोसिस जनने के बाद में नहीं होता, उसको बचाने के लिए इसको पिलाई जाती है। कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी लेवल, इंस्टेंट एनर्जी देता है ये एक पशु को, और मिल्क उसकी जो दूध की क्षमता होती है उसको इम्प्रूव करता है। तो लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।